सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। सो आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का आज इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड का पेपर था, इलेक्ट्रिकल 306, और आई होप आशा करता हूँ कि सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, सभी के मार्क्स अच्छे आए होंगे। आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे, काफ़ी पेपर मैंने देखा गाइस, आज का काफ़ी ईजी पेपर था। सो आई होप आप सभी लोगों के ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही गए होंगे। अब वक्त है जो आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए उनको चेक करने का। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले देखिए गाइस, 305 तक के मैंने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो बना के डाल दिए, तो आपने अभी तक अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो देखें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। चलिए आज की एक वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को लाइक करना प्लीज़, सबसे रिक्वेस्ट है जो भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक करना ना भूलें, काफ़ी मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। सो आज का देखिए पेपर आपका इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड का पेपर था 306। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर को लेमिनेट किया जाता है किस चीज़ से बचने के लिए या किस चीज़ को कम करने के लिए? एडी करंट, हिस्टेरेसिस लॉस, बोथ एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस, या वेट ऑफ स्टेटर। देखिए बात कर रहे हैं लेमिनेशन क्यों की जाती है स्टेटर को, ठीक है। स्टेटर को लेमिनेशन इसलिए किया जाता है ताकि हम एडी करंट से बच सकें। तो क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडी करंट। क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है? तो गाइस देखिए, स्लिप रिंग, ये जो है ना सेकंड ऑप्शन स्लिप रिंग के लिए, फर्स्ट ऑप्शन जो स्क्वायरल केज का है वो क्या होगा? रोटर कंडक्टर आर शॉर्ट सर्किटेड थ्रू एंड रिंग्स। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कहता है, थ्री फेज क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के सर्किट डायग्राम में वृत्त का व्यास निर्धारित होता है। अब वृत्त का व्यास किससे निर्धारित किया जाता है? रोटर करंट से, ठीक है, रोटर करंट से निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चार, इन अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर द मैक्सिमम फ्लक्स ड्यू टू एनी फेज इज फाई। मान लीजिए किसी फ्लक्स, कोई जो मैक्सिमम फ्लक्स आपका वो क्या इंडक्शन मोटर में फाई है, देन द रोटेटिंग रिजल्टेंट फ्लक्स, तो रोटेटिंग रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 1.55, यानी कि डेढ़ गुना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैन बी रिवर्स। तो देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर की अगर आपको डायरेक्शन रिवर्स करनी है तो क्या करो, कोई से भी दो फेज आप सप्लाई बदल दो, दो फेज की सप्लाई आपस में बदल दो, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर छः, स्लिप का फॉर्मूला, स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड, या फिर हम कह सकते हैं स्टेटर स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन स्टेटर स्पीड। तो क्वेश्चन नंबर छः का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर कहाँ कनेक्ट होता है? आप सबको पता है स्टार्टिंग वाइंडिंग यानी कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग में। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर हो गया बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट, द मोटर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल टॉयस। तो इलेक्ट्रिकल टॉयस के अंदर कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? गाइस देखिए इलेक्ट्रिकल टॉयस में शेडेड पोल मोटर का प्रयोग किया जाता है, करेक्ट आंसर हो गया शेडेड पोल मोटर। क्वेश्चन नंबर नाइन, एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, ठीक है, स्टार्टिंग कैपेसिटर है, तो उसमें सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर की वैल्यू क्या होती है, यानी कि कौन से टाइप का होता है? तो देखिए स्टार्टिंग कैपेसिटर की बात करें तो वो इलेक्ट्रोलाइट टाइप का होता है, ध्यान रखेंगे स्टार्टिंग कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर नाइन का ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज मोटर विल ऑपरेट एट हाई पावर फैक्टर। इन चारों में से कौन सी मोटर है जिसका पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है? देखिए जो कैपेसिटर के थ्रू आउट चलेगी, ठीक है, कैपेसिटर से स्टार्ट ही ना हो बल्कि कैपेसिटर के थ्रू रन करती रहेगी, वो मोटर का सबसे ज़्यादा पावर फैक्टर होगा, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा कैपेसिटर रन मोटर। क्वेश्चन नंबर ग्यारह है कि इफ़ स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज लेफ्ट इन द सर्किट, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग कर रहे हैं हम लोग, मान लो छूट गई तो क्या होगा? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सबसे पहले तो देखिए सबसे ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा और ओवरहीट दोनों चीज़ होगी, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, चार पोल 1200 आरपीएम की मोटर में ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अब देखिए इसने क्या बोला है, चार पोल 1200 आरपीएम, यानी कि आपको एनएस की वैल्यू दे दी, अभी आपसे एफ पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या था गाइस, एनएस इज इक्वल टू 120 एफ बाय पी। अब एफ आपसे पूछा है, ठीक है, तो देखिए एनएस कितना है आपका 1200, तो 1200 में पी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 अपॉन 120 आ गया, तो 120 से 120 क्या 10 बार और 4 × 10 = 40, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए यदि अल्टरनेटर की वाइंडिंग 5/6 भिन्न पिच की है तो इसका वाइंडिंग विस्तार कितना होगा? अभी आपसे पूछता है कि वाइंडिंग विस्तार की वैल्यू बताइए,
अब देखिए आपको इसको किस तरह से करेंगे, तो 5/6 इंटू 180 कर दीजिए आप बस, तो ये कितना आ गया 30, और 30 को 5 से गुणा करेंगे तो 150, करेक्ट आंसर हो गया 13 का 150। क्वेश्चन नंबर 14, इन अल्टरनेटर द आर्मेचर फ्लक्स अपोजेस द मेन फील्ड फ्लक्स व्हेन द लोड पावर फैक्टर इज, तो जब जीरो लैगिंग पावर फैक्टर होगा तब आर्मेचर फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स को अपोज करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर में बी नेगेटिव, तो अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन तब नेगेटिव होगा जब आपका पावर फैक्टर लीडिंग होगा, तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 16, इन पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू अल्टरनेटर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी आइडेंटिकल फॉर बोथ, यानी दोनों ही अल्टरनेटर के लिए कौन सी दोनों चीज़ें समान होनी चाहिए, कौन सी दोनों में समानता होनी चाहिए, तो वोल्टेज फ्रिक्वेंसी फेज सीक्वेंस तीनों ही समान होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सिंक्रोनस मोटर वी कर्व इज प्लॉटेड, तो सिंक्रोनस मोटर का वी कर्व आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, सिंक्रोनस मोटर की आर्मेचर करंट किस पावर फैक्टर पर न्यूनतम होगी, यूनिटी, 0.8 लैगिंग, 0.8 लीडिंग या 0, तो देखिए यूनिटी पावर फैक्टर पर न्यूनतम होगी आर्मेचर करंट। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क आप सबको पता है 0 होता है, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट हो ही नहीं पाती, अपन को करना पड़ता है इसे। क्वेश्चन नंबर 20, द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर कैन बी, तो सिंक्रोनस मोटर की स्पीड आप अगर आपको चेंज करनी है तो आपको फ्रिक्वेंसी और पोल इन दोनों में से कोई एक चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, तब आप सिंक्रोनस मोटर की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सिंक्रोनस मोटर में रिटार्डेशन एंगल अल्फा किस चीज़ पर निर्भर करता है, देखिए एक्साइटेशन पर, इनपुट पर, लोड ऑन मोटर, इन सभी चीज़ों पर निर्भर करता है, यानी कि 21 का करेक्ट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 22, सिंक्रोनस मोटर में चाल प्रेरण कम किया जा सकता है, यानी कि हंटिंग कम करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग इस्तेमाल होती है, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 23, शक्ति निकाय की क्षणिक स्थायित्व सीमा सुधारने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है, तो देखिए आपको अगर स्टडी ट्रांजिट स्टेबिलिटी लिमिट को इम्प्रूव करना है तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, स्टडी स्टेट पावर लिमिट ईवी अपॉन एक्स साइन डेल्टा, ईजी है ये वाला क्वेश्चन। शक्ति निकाय में स्थिर दशा स्थायित्व को सुधारा जा सकता है, यानी कि स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम स्टडी वो ट्रांजिएंट था 25 में क्या है, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी अगर अपने को इम्प्रूव करनी कैसे, यूजिंग डबल सर्किट लाइन इंस्टेड ऑफ सिंगल सर्किट लाइन, क्वेश्चन नंबर 25 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, इक्वल एरिया क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी इज एप्लीकेबल टू, देखिए अगर सिर्फ दो मशीन हो तो दो मशीन के लिए और इनफाइनाइट बस बार, कई लोग बोल लोगे सर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बट अगर यहाँ एंड की जगह और लिखा होता ना तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता, बट अगर एक मशीन है तो उसके साथ सिर्फ एक इनफाइनाइट बस होगा, दो मशीन के साथ कभी भी इनफाइनाइट बस नहीं आएगा, इसीलिए 26 का आंसर बी होगा, ठीक है। कई लोग बोलेंगे सर 26 का ए है, तो मैं उनको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि 26 का ए बी क्यों होगा, ए क्यों नहीं होगा, तो 26 का बी। 27 का देखेंगे, श्रागे मोटर कहाँ इस्तेमाल होती है, देखिए श्रागे मोटर स्पीड को तो इम्प्रूव करती है, कंट्रोल करती है, साथ साथ पावर फैक्टर को भी करती है, इसलिए 27 का भी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, यदि डीसी सीरीज मोटर पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी कि डीसी मोटर पर सीरीज आपने अप्लाई कर दी तो क्या होगा, भाई पावर फैक्टर तो खराब हो गई, दक्षता भी कम होगी और ज़्यादा स्पार्किंग भी होगी, तो उपरोक्त डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, स्टेपर मोटर के रोटर में क्या नहीं होती, वाइंडिंग नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो रोटर घूमता है तो उस रोटर में वाइंडिंग नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 30, रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन मोटर इस्तेमाल की जाती है क्यों, क्योंकि इसका हाई टॉर्क होता है, इसीलिए रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। सो आई होप गाइस आपके 30 के 30 जो क्वेश्चन बताए उसमें से आपके ऑलमोस्ट करेक्ट होने चाहिए सारे आंसर 100%। आज की वीडियो में देखिए गाइस मैं बता दूं 30 में से 30 क्वेश्चन मेरे 101% सही है, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, डिप्लोमा के जो भी ग्रुप हो उनमें शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।